हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल भारत फॉर यू में आपका स्वागत है। प्लीज लाइक, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए अभी नीचे के रेड बटन को क्लिक करें। फ्रेंड्स, अब तक हम में से कई लोगों ने संजू मूवी देख ली होगी। मूवी अच्छी तो जरूर लगी होगी, लगे भी क्यों ना। आखिर रणवीर ने संजू का किरदार जो बखूबी निभाया है, बड़े ही खूबसूरती से पेश किया है। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आप सबके मन में जो सबसे पहला सवाल आया होगा वो ये होगा कि ये कमली कौन है जिसने संजय दत्त के पीछे अपना इतना टाइम बर्बाद किया, अपने कैरियर की बिना कोई परवाह किए सेल्फलेस होकर संजू के लिए मर मिटने को तैयार था। ऐसा कौन सा दोस्त है जो संजू के एक फोन कॉल पे उसे मिलने के लिए न्यूयॉर्क से इंडिया दौरा चला आता है, अपनी पहली कार के लिए बड़ी ही मेहनत से जमा किए हुए पैसे को इंडिया का एयर टिकट लेने में वेस्ट करने के लिए एक बार भी नहीं सोचता। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को उस नायाब हीरे जैसे फ्रेंड से मिलवाती हूँ। असल में संजय दत्त का कमलेश नाम का कोई फ्रेंड है ही नहीं, बल्कि उनके फ्रेंड का नाम परेश गिलानी है, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड बिजनेसमैन है। ये बीपीजी मोटर्स के सीईओ और चेयरमैन भी हैं। ये सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने बिजनेस कैरियर में बहुत सक्सेसफुल हैं। इनके कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं मून एक्सप्रेस, डीवीडी मोटर कॉरपोरेशन, वॉयम इनकॉरपोरेशन और केस पॉइंट। रिसेंटली ये इंडिया भी आए थे रतन टाटा के साथ अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और ये इंडिया की एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम जो कि वाटर प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। दोस्तों, ये तो रही उनकी प्रोफेशनल लाइफ, अब हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली हैं तो गुजरात से, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप यूएस में ही हुआ। इसी बीच उनकी मुलाकात संजय दत्त से हुई न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में, जहाँ संजू की माँ नरगिस का इलाज चल रहा था। इनकी दोस्ती की शुरुआत वहीं से हुई। आपने अगर ये मूवी देख ली होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि संजू अपने दोस्त को कमली बुलाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनका पेट नेम है पाड़िया। संजू फिल्म में आपने देखा होगा कि कमली एक रेड कलर का जैकेट पहनते हैं जिसे उनके दोस्त संजू ने खरीद के दिया था, लेकिन रियल लाइफ में वो एक्चुअली एक रेड टी शर्ट है जो आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं। परेश यही टी शर्ट पहन के संजू को पिकअप करने गए थे जब वो येरवडा जेल से बाहर निकले थे, जैसा कि फिल्म में भी दिखाया गया है। मूवी देखने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये कैरेक्टर संजू की लाइफ में कितना अजीज होगा। हर किसी को ऐसा दोस्त नसीब नहीं होता। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।